ओके हाय फ्रेंड, नमस्ते, जय माँ ज्वाला, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और कहाँ से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम आए थे गढ़वाली प्रोग्राम देखने, और यहाँ पे संग्राम और 93 में सेक्टर 93 नोएडा में हुआ है। और यहाँ पे हमारी एक गढ़वाली बहन साक्षी पौड़ी की है, वो फर्स्ट नंबर आई है। सेकंड नंबर पे देहरादून से, नाम तो भूल गए हम, है ना। और यहाँ ना वीडियो नहीं बनाने थी, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम बाहर से ही बना रहे हैं। अंदर तो जिसने भी गाने वगैरह चल रहे थे तो उसमें किसी को फोन खोलने नहीं दिया। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जैसे इंडियन आइडल है ना वैसे उत्तराखंड सुर संगीत का था। और फाइनल था आज, तो उसमें आए तीन, आए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमारे उत्तराखंड सुरताल के सभी 10 टॉप 10 फाइनलिस्ट थे, फाइनल 10 थे, इसमें से 4 भार हुए फाइनल में गए, 6 फिर उसके बाद 3 भार हो गए, उसके बाद जीती हमारी पौड़ी की साक्षी। फ्रेंड्स, तो ये मेरा अचार बनके तैयार हो गया है। और मैंने ना इस डिब्बे में बनाया था मैंने अचार, खूब काफ़ी दिन हो गया, कम से कम 15-20 दिन हो गए इसे धूप में पकते पकते, तो अच्छा सा पक गया है, गल गया है अच्छे से। तो अब मैं ना इस अचार के बाँठे कर रही हूँ जेठानियों को और जेठानी की बेटियों को, और बड़ी छोटी जेठानी को तो मैं तब दूंगी जब दीदी इधर आएंगी या हमारा जाना होगा कभी वहाँ, तो उनके लिए भी बचा के रखूँगी थोड़ा सा आम का अचार। और ये मैंने जो बड़ी दे रखी थी ना, तो इसके भी मैंने हिस्से कर दिए हैं। जो ये डब्बा है ना, तो ये 1 किलो का होगा, तो इसमें मेरे लिए और मेरी छोटी जेठानी के लिए हैं। तो जेठानी आएगी या मैं जाऊँगी किसी दिन, तो ये उनको भी दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि गांव की चीज़ ना अच्छी लगती है। और ये मैंने सब जनों के लिए बांध दिए हैं, ये दीदी जेठानी की एक लड़की के लिए, ये दूसरी लड़की के लिए, ये तीसरी लड़की के लिए, और ये ज़रा ज़्यादा सी हैं ये दीदी के लिए। और ये यहाँ पे मेरी एक बहन है, ये मैं थोड़े से उसको दूंगी। और ये देखो, और अचार का डिब्बा ये मैंने 1/2 किलो का होगा, ये मैंने दीदी के लिए बांध दिया है और बेटियों के लिए बांध रही हूँ, लेकिन मुझे डिब्बे नहीं मिल रहे, दाल के डिब्बे खाली करने पड़ेंगे। अब ना इसमें मैं लहसुन का अचार दूंगी, क्योंकि मैंने लहसुन छील रखी हैं, तो इसमें मैं लहसुन का अचार दूंगी इसी डिब्बे में। लहसुन भी गांव की है तो ख़राब होने से बढ़िया मैंने कहा अचार दे देती हूँ उसका। सभी फैमिली मेंबर्स को जय श्री राम, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह बज रही है 8:30, और तो मैंने दे रखा था ये अचार और ये दाल की बड़ी, दाल और गैत की बड़ी, तो ये मैं सब लोगों के लिए हिस्सा कर रही हूँ। तो सब लोग किसी एक दिन आना और अपना अपना सामान ले जाना। तो ये देखो, सबके लिए मैंने मंडावली से लेके, बाराबाई से लेके, फेस्त्री से लेके, सबके लिए मैंने अचार और बड़ियाँ पैक कर रखी हैं। तो आइए और अचार का और दाल की बड़ियों का लुत्फ उठाइए और चखिए कि कैसे बनाया है मैंने। तो जल्दी से आइए और बैठते हैं एक दिन और फिर तंबोला खेलते हैं। और अभी मैं जरा ना लहसुन का अचार भी दे रही हूँ, तो आ जाओ फिर जल्दी से। ये मैं लहसुन का अचार बना रही हूँ अभी, इस बार मैं दूसरी तरह से बना रही हूँ। ये मेरी दीदी ने बताया है मुझे कि ऐसे बनाना लहसुन का अचार,
हल्के से ना उसने कहा कि तेल में फ्राई कर देना, उसके बाद इसको कितने भी टाइम तक स्टोर कर लो तो ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो मैं भी इस बार ऐसे ही करती हूँ, नहीं तो मैं ना वैसे लहसुन को हल्की सी धूप में सुखा के उसके बाद मसाले में डाल कर फिर 10-12 दिन पकाती थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसे कर दिया। ये क्या होता है, ऐसे करने के बाद ना हल्के से तलने के बाद तुम एक दिन के अंदर ही उसे खा सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो खाना, अरे कई दिन तक या महीनों तक रह सकता है। तो अभी मैंने थोड़ा बनाया है, ट्राई किए, ये मेरी गांव की लहसुन है। तो चलो मैं बनाती हूँ अचार लहसुन का। तो आज किचन में है ऋषभ और ऋषभ बना रहा है आज दिन का लंच, और ऋषभ ने कहा मम्मी आज आप आराम करो, तो ऋषभ नॉनवेज बना रहा है। तो नॉनवेज मैं दिखा नहीं सकती, सिर्फ मैं ऐसी बता रही हूँ। तो ऋषभ ने प्याज वगैरह काट के रख दिया है एक साइड में, लहसुन अदरक सब कुछ कढ़ाई चढ़ा दी उसने, और वो कह रहा है ये उसने कह रहा अपनी स्टाइल में, ये प्याज काट दी, ये लहसुन काट दी, ये खड़ा मसाला है, तेज पत्ता है। तो कह रहा है मैं बनाऊंगा, इसने एक दो बार पहले भी बनाया था लेकिन बहुत टेस्टी बनाया था, मेरे से भी अच्छा बनाया था। ये उसने चिकन मसाले भी ला रखे हैं, मैं तो खैर करती नहीं हूँ यूज़ बहुत कम, क्योंकि मैं तो अपने घर के हिसाब से बनाती हूँ घर के मसालों में। तो ऋषभ बना रहा है, इधर तेल गर्म हो गया, इधर धो के चावल चढ़ा दिए, आज मांडनी निकाल रहे क्योंकि मैंने एक घंटे से भिगा रखे थे, तो मैंने हर 2-3 बार धो के ऐसे चढ़ा दिए। और इधर आज बीसी ने भी लगा रखी है सर में मेहंदी, और मैंने भी लगा रखी है। बाहर बहुत सुंदर हवा चल रही है, और ये ना इसमें डाल दिया मैंने लहसुन का अचार, थोड़ा सा है ज़रा सा इसमें डाल दिया, और ये ना तेज पत्ते उत्तराखंड से आ रखे हैं, सहेली गई थी गाँव तो वो लेके आती है, उनके यहाँ ना बहुत होती हैं, तो मैंने कहा तेज पत्ता लिया नाम से, तो मैंने सुखा दिए गीले पानी के हाथ से ही मैंने साफ़ करें, क्योंकि कुछ कुछ ना काले लग रहे थे लेकिन वो वैसे ही हैं। और अब मैंने पन्नी में बांध के मैंने कहा थोड़ी देर ऐसी रहेंगे, ये उड़ रहे थे, बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। तो आज हमारा कुक ऋषभ बिष्ट, हाँ कोई नहीं चलो कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थेरेपी ले रही हूँ और मैट में लेटी हूँ, मैं मैट में लेट के थेरेपी ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है, हाथ पैरों की नस इतनी अच्छी लग रही है, सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है, गर्माहट मिल रही है नसों में, बहुत आराम है। और रोज़ आती हूँ मैं यहाँ पे, आज मेरा नंबर है मैट का, पहले बेल्ट लगाई कमर पे 40 मिनट, फिर उसके बाद बेल्ट मिला 40 मिनट, उसके बाद मैट मिलता है 20 मिनट, तो अब मेरा मैट का नंबर है, तो आज मैं मैट में लेती हूँ।